वेलकम टू सरो समाजी को राउंडे चैनल। सरो समाजी को राउंडे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है YouTube के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछने की काफी आशंकाएं हैं। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेंगे। मोबाइल से सुख दुख को रेखांकित करते हुए फीचर बनाइए। तो आपको इस चैनल पर डेली बाय डेली एक दो को वीडियो अपलोड होते रहते हैं और कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो बस आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है और आपको फूल में फूल अंक मिलेंगे। तो मोबाइल से सुख दुख को रेखांकित करते हुए फीचर बनाना है। फीचर बनाने के लिए एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान दीजिए इसका सुख क्या होगा, सुख और दुख का। पहले सुख के बारे में लिखते हैं, ठीक है। मोबाइल का नाम सुनते ही बच्चे से लेकर बड़े तक को खुशी, उमंग और जोश में आ जाती है। इसका नाम सुनते ही आपको पता होगा मोबाइल कितना अभी लोकप्रिय हो चुका है, क्योंकि मोबाइल ने पूरे संसार में क्रांति ला दी है। आज संसार के माध्यम में जो क्रांति का लहर दिखाई देता है वह है मोबाइल। मोबाइल संचार का अन्य साधनों से बड़ा संचार साधन बन गया है और बनता जा रहा है, यानी बन गया है। प्रत्येक आदमी का आजीविका मोबाइल ही बनता जा रहा है। मोबाइल कोई सूचना चंद सेकंड में ही प्राप्त हो रही है, मतलब बहुत ही कोई भी सूचना आपको तुरंत मिल जाते हैं। पहले सूचना प्राप्त करने के लिए कुछ समय लग जाता था, आज मोबाइल से बिल भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फॉर्म, टिकट, होटल, रेलगाड़ी, हवाई आदि लगभग हर कार्य मोबाइल द्वारा यानी घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। कितना सुविधा है। अब इसका देखिए, मोबाइल ऐसा चीज़ है कि आप इसको सही से इस्तेमाल कीजिएगा तो सही चीज़ है और गलत इस्तेमाल कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसका दुख क्या है, दुख मतलब क्या है मोबाइल के कारण, ध्यान दीजिए। और मेरा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब कर दें। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। ध्यान दीजिए, आज के समय में मोबाइल का लोग काफ़ी दुरुपयोग कर रहे हैं। दिन रात बेवजह के खासकर लड़के एवं लड़कियां बातें कर रहे हैं, तो कोई मोबाइल द्वारा मिलन, गंदी यानी अभद्र मैसेज भेजना, मैसेज पढ़ना, गेम खेलना, किसी की इमरजेंसी कॉल को या मैसेज और गेम के चक्कर में काट देना, ठीक है, माता पिता के बातों को त्याग कर प्रेम विवाह, ये सब या तो मोबाइल का ही कारण है, ये सब जो है मोबाइल का ही प्रकोप है या कारण है। प्रेम विवाह का मुख्य वजह है मोबाइल। वे मोबाइल पर स्टाइलिश सुंदर लड़के लड़कियां का तस्वीर देखकर आकर्षित होना मोबाइल का ही तो कारनामा है। इतना ही नहीं, मोबाइल से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती जा रही हैं। जहां तक संभव हो कम से कम मोबाइल का उपयोग करें और बगल या छाती पर मोबाइल ना ही रखें बेहतर होगा। तो आपको कोई भी और वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आपको बहुत ही सही सटीक ढंग से बनाया गया है।